कांग्रेस के बड़े नेता और विरोधता विधायक कृष्ण हुड्डा का आज लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया, जिसके बाद कांग्रेस परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। और बताया जा रहा है कि कृष्ण हुड्डा लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज ले रहे थे। हालांकि विधानसभा स्तर के दौरान भी कृष्ण हुड्डा नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो रोहतक के हॉस्पिटल में एडमिट थे और जिसके बाद ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण उन्हें दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली है, जिसके बाद हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक कृष्ण हुड्डा के निधन पर शोक जताया है और कांग्रेस को बड़ी हानि की बात कही है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो परिवार के साथ है और हरियाणा कांग्रेस में विधायक रहे कृष्ण हुड्डा उनके निजी और अच्छे दोस्त थे। हरियाणा कांग्रेस को एक बड़ा झटका है और विधानसभा में वो मेरे साथ रहे, ऐसे समय में दुख की घड़ी में वो परिवार के साथ है। हरियाणा कांग्रेस को एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि कृष्ण हुड्डा किलोई से पहले विधायक रहे हैं और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा किलोई से चुनाव लड़े तो वो बड़ौदा से चुनाव लड़े थे और वो दो बार बड़ौदा से विधायक रहे। एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे कृष्ण हुड्डा। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।